विदिशा पंचायत सचिव राजकुमार प्रजापति द्वारा अपनी पत्नी के जन्मदिन पर नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए पौधारोपण कराकर श्री हरिवृद्ध आश्रम में सभी बुजुर्गों की मौजूदगी में जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि राजकुमार प्रजापति द्वारा बीते वर्ष बेटी के जन्म होने पर जिला अस्पताल से लेकर घर तक रथ यात्रा निकाली गई थी, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बनी। वहीं अब उनकी पत्नी पिंकी प्रजापति का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाते हुए नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए संदेश दिया गया। इस दौरान समाजसेवी वेद प्रकाश शर्मा, श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ के जिला प्रभारी शिव कुमार तिवारी, राजकुमार शर्मा, संगीता तिवारी, अनुराधा शर्मा, मोनिका किरार, भगवती प्रजापति, सुमन प्रजापति, आदर्श प्रजापति एवं विशाल डंदोतिया मौजूद रहे। छह दिसंबर 2019 को हमने एक शाही सवारी निकाली थी बिटिया की। इसलिए निकाली थी कि हम समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। कल मेरी पत्नी का जन्मदिन था और हमने वह जन्मदिन उसी जगह जाकर मनाया जहां मेरी बेटी ने जन्म लिया था, जिला अस्पताल विदिशा, जहां पर आज वृद्धा आश्रम है। और मैंने और मेरे पूरे परिवार ने ये तय किया है कि आने वाले कल के जितने भी जन्मदिन होंगे हम वहीं श्री हरि वृद्धा आश्रम में मनाएंगे और सबके साथ मिलजुल के खुशियाँ बांटेंगे। और समाज को मैं यह भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी है तो कल है, बेटियों को बोझ ना समझें, क्योंकि बेटी ही सब कुछ है। बेटी जगत जननी है, वो माँ है, पत्नी है, सब कुछ है। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।